अगला टॉपिक है भैया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो मीन आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, एब्सोल्यूट एरर क्या था? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल रीडिंग है ना। जैसे कि आपने बताया था, मान लीजिए आपने 5 रीडिंग ली है, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसकी 5 रीडिंग ली है, तो सबसे पहले तो आपको ट्रू वैल्यू को पता लगाना होगा ना, तभी तो आप बेटा पता सकते हो कि कितना एरर है कितना नहीं है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्रू वैल्यू हम जो हमने जो रीडिंग्स ली है उनके मीन को हम ट्रू वैल्यू या बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल देंगे, है ना। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू वैल्यू हो जाएगी इन सबका मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये इनका जो मीन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। इसको ऐसे नोट किया जा सकता है 1 to 5 AI/N। ओके, तो ये तो होगा भैया अपना ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हो गया, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या बेस्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू सारी इसी के नाम है, ये कौन सी होगी? ये होगी। ओके, अब अगर आपसे कोई ये कहे, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या निकालना है कि आप ये बताओ कि इसका एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो अब जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा कि आपने 5 रीडिंग ली है बेटा, पांचों रीडिंग में क्या होगा? एरर होगा, है ना। तो हर रीडिंग में कितना एरर है वो कैसे निकालोगे आप? हर रीडिंग का जो एरर है वो कैसे निकालोगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रीडिंग एरर इन फर्स्ट रीडिंग वो क्या हो जाएगा? AM-A1, ठीक, और A2 AM-A2 ऐसे लिख सकते हो, और A5 क्या हो जाएगा? AM-A5। तो ये जो आपको लग रहा है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A5 तक, ये सारे क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब देखो पास रूम मीन वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका मीन, है ना। सिंपल बात है, एब्सोल्यूट एरर्स है उनकी उनका जो मीन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। देखते हैं, देखो ये क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम, ये क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN अपॉन में N, ठीक है। ये क्या होगा? अब इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मतलब आपके देखो आपने 5 रीडिंग ली, 5 रीडिंग में जो एरर है उनका फिर मीन निकाल लो, उनका जो मीन होगा वो क्या होगा? आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब आपका इस पूरी रीडिंग में जो एरर है वो, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल AM, और डेल AM इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, डेल AI एंड आई गोज फ्रॉम 1 to N एंड अपॉन में N, तो दैट इज द डेल AM एंड इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। It is the mean absolute error. ठीक है, ये क्या हुआ? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आपने जो आपकी जो ट्रू वैल्यू है ना, जो ट्रू वैल्यू है उसमें पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई आपको ट्रू वैल्यू दिखानी है तो उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं उसको और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे? कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? AM प्लस माइनस डेल A, मतलब जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है वो उसमें ऐड भी हो सकता है और उसमें नेगेटिव हो सकता है, मतलब है ना, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो जो ट्रू वैल्यू होगी उसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मीन में ए मीन में आपने क्या जोड़ दिया? ये एरर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा आपका आता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर,
देखो भाई फ्रैक्शन एरर कैसे होगा, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल एरर इट इज जस्ट रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा भाई आपका, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल ए एम, ये क्या था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और मीन वैल्यू क्या थी, जो आपने जस्ट जो आपकी रीडिंग्स आई थी उनका मीन लिया था वो क्या था आपकी मीन वैल्यू, ठीक है। तो उनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो दैट इज द फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, सिंपल बात, फ्रैक्शनल एरर। और दूसरा क्या पूछा भाई इसने, इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर एंड रिलेटिव एरर। और लास्ट है आपका परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शनल एरर है उसकी एडर से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर क्या है, डेल ए एम अपॉन में ए एम इनटू में 100, तो दैट इज द परसेंटेज एरर, ओके। अब इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम करते हैं इससे आपको काफी क्लियर होगा। The refractive index of a water is found to have values 1.29, 1.33, sorry, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33. आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बेटा वाटर का, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, आप टेंथ में ऑप्टिक्स पढ़ गया हो, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड गिवन मीडियम, ठीक है। कि जो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और किसी अनदर मीडियम में होगी तो उसमें उसकी स्पीड या वेलोसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो जो रेशियो होता है उन दोनों को उसको उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, तो आपने 3, 3, 6, 2, 8 रीडिंग लिए इसके लिए, ठीक है। तो एक पहली रीडिंग है आपकी ये, दूसरी ये, ऐसी 8 रीडिंग है। तो आपको निकालना है मीन वैल्यू। तो सिंपल सी बात भाई, मीन वैल्यू तो आपको पता होगा, आप पढ़ के टेंथ में मैथ में, मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सबको एडिशन और अपॉन में जितने टाइम आपने किया है उतना, है ना। तो इसका मीन होगा, देखो मीन तो क्या होगा, इसका मीन, मीन क्या होगा, ए वन प्लस ए टू अप टू ए एट अपॉन में 8, यही होगा ना भाई, ए वन ए टू अप टू ए एट अपॉन में 8। तो ए वन की वैल्यू क्या भाई, तो आपने ये जो आपके 8 वैल्यूज आई थी इनका क्या किया, समेशन अपॉन में 8, तो ये आ जाएगी आपकी मीन वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आया आपका 1.33, तो दैट इज द मीन वैल्यू। जो आपका एक्सपेरिमेंट था, जो आपके रेडियस थी, उनका मीन क्या है, 1.33, तो दैट इज द मीन वैल्यू, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू तो निकाल दो, सिंपल है, जितनी भी रीडिंग्स है उनका समेशन करो अपॉन जितनी जितनी रीडिंग्स लिए आपको वो नंबर डाल दो, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका क्या मीन वैल्यू, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या आई बेटा आपकी, 1.33, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर
एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखो आपने पढ़ा भी था, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल रीडिंग, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो आपकी जो मीन वैल्यू आई है बेटा वो आई है 1.33, ये होगा मीन वैल्यू, मतलब आपकी जो रीडिंग थी उनका जो मीन है वो ये है, एवरेज है वो ये है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? तो पहला जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा भाई, 1.33 यानी एम माइनस ए वन, यानी कि 1.33 माइनस 1.29 और ये कितना हो जाएगा 0.04। ठीक भाई, 0.04। फिर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है सेकंड रीडिंग का, वो क्या हो जाएगा एम माइनस ए टू। ठीक है, वो क्या होगा भाई 1.33 माइनस 1.33 दैट इज जीरो, है ना, जो सेकंड रीडिंग है वो तो आपकी ट्रू वैल्यू ही है। ठीक है, डेल ए थ्री वो क्या हो जाएगा भाई एम माइनस ए थ्री, तो वो क्या होगा भाई 1.33 माइनस 1.34। ठीक, अब देखो इस केस में क्या होगा, ये आपका नेगेटिव है ना, क्योंकि जो आपकी मेजर वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है बड़ी है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 0.01 नेगेटिव वैल्यू, 0.0 ओके। ए फोर, ठीक, ए फोर क्या होगा भाई, ए फोर होगा आपका ए एम माइनस ए फोर, ए फोर क्या है भाई 1.33 माइनस 1.35 दैट इज माइनस 0.02। ठीक, ए फाइव ए एम माइनस एफ डेल ए फाइव, तो ये हो जाएगा 1.33 माइनस फाइव क्या आपकी 1.32 दैट विल बी 0.01 ओके। डेल ए सिक्स डेल ए सेवन डेल ए एट ए एम माइनस ए सिक्स, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 1.36 दैट विल बी नेगेटिव 0.03। And AM minus A8 that will be 1.33 minus 1.33 that will be 0। ठीक है, तो ये जो आपके पास बेटा 8 रीडिंग थी और 8 के आगे एब्सोल्यूट एरर, मतलब हर रीडिंग में कितना एरर है। ठीक, तो हर रीडिंग में एरर निकालने क्या करोगे, मीन वैल्यू में से वो रीडिंग घटा दोगे। ठीक, तो ये आ गया आपके एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो आपने मीन वैल्यू निकाली, मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब देखो रिलेटिव एरर में क्या होगा, रिलेटिव एरर में आपको जो मीन आएगा, देखो ये तो एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब बेटा इनका मीन निकालना है, मतलब ये जो वैल्यूज होगी इनका क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। और इसका मीन कैसे करोगे, इसका मीन करेंगे इन सबका एडिशन और अपॉन में 8, है ना भाई, 8 ऑब्जेक्ट है ये, सॉरी 8 नंबर है, तो 8 नंबर को कैसे करोगे, इन 8 नंबर का अगर आपको मीन निकालना है तो समेशन ऑफ 8 नंबर्स अपॉन में 8, तो इनका जब समेशन और करोगे तो जो आपकी मीन आएगी वो आएगी बेटा, जो मीन आएगा मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा वो क्या आएगा, इन सबका एडिशन करना है, एडिशन करोगे तो 0.040 और जो नेगेटिव है उनको हम क्या ले लेंगे, उनका मोड ले लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड 0.01 प्लस में 0.02 प्लस में 0.01 प्लस में 0.03 अपॉन में 0 और अपॉन में 2 सॉरी 8 अपॉन में 8, तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा ये कितना आ जाएगा 0.02। ठीक, कितना है भाई 0.02, तो ये आएगा आपका एब्सोल्यूट मीन एरर। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, तो क्या होगा जो मीन एरर है, मीन एरर अपॉन में
मीन एरर अपॉन में मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई, डेल ए मीन अपॉन में ए मीन, ठीक है, ये क्या होगा 0.02 अपॉन में मीन वैल्यू क्या बेटा आपकी 1.33, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिलेटिव एरर, ये क्या है रिलेटिव एरर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी परसेंटेज एरर की वैल्यू आएगी, देखो जो आपका ये जो मीन सॉरी रिलेटिव एरर आएगा वो आएगा 0.015, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.5%, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, रिलेटिव एरर निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन वैल्यू निकालना किसी रीडिंग्स की।